हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे डीएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अच्छे से अपनी एस लॉक वाली प्रोफाइल को, जो कि सोनी की फ्लैट लॉक प्रोफाइल होती है, उसे कलर ग्रेड कर सकते हो। सो ये एक फुल ट्यूटोरियल गाइस, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यूजुअली गाइस, मैं ईडीएस सॉफ्टवेयर से लॉग एडिट करना पसंद नहीं करता हूं, और इवन मैं ईडीएस को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता था। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट सॉफ्टवेयर नहीं है, बट अभी जो EDS 10 जो आया है, EDS जो X आया है, वो बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर आया है। उन्होंने काफ़ी सारे नए यू नो एड ऑन करें इसके अंदर, तो ये अभी वन ऑफ द रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है अगर आपको वेडिंग प्रोजेक्ट्स एडिट करने हैं। इसके अलावा यूजुअली मैं जनरली जो लॉग एडिट करता हूँ वो मैं अपने प्रीमियर प्रो में एडिट करता हूँ, बिकॉज मेरे को वहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल मिलता है कलर्स को मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पे आफ्टर 9 जो EDS 9 आया था, उसके बाद काफ़ी कुछ यू नो कलर करेक्शन कर सकते थे लॉग के अंदर भी, और 10 के अंदर इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप EDS यूज़ कर रहे हो, और आजकल यू नो कि कलर करेक्शन की, कलर ग्रेडिंग की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड आती है मार्केट में, अगर आप EDS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो लॉग में, और अपने वीडियो फुटेज को बहुत सिनेमैटिक टाइप के लुक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब क्विकली जंप करते हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट गाइस, मेरा बेसिक्स ऑफ वीडियो वाला कोर्स जो है लाइव हो गया, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करे हुए हैं। वांट टू लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वीडियोग्राफी, तो वो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, मस्ट जाकर के वो कोर्स चेकआउट कर लीजिएगा। अब जंप करते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे गाइज यू कैन सी जो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है वो आपको अभी नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन जो है EDS का वो इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों को सभी को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले मेरे कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि गाइस मुझे EDS सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। सो अभी मैं वही ट्यूटोरियल्स में ही वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहला ट्यूटोरियल जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल कलर ग्रेडिंग की जो डिमांड बहुत मार्केट में आ रही है, एंड लोग प्रीमियर प्रो वालों से काम करा रहे हैं, EDS वालों से काम नहीं करा रहे हैं कलर ग्रेडिंग का। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे EDS सॉफ्टवेयर से अच्छे से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी थी, बाय द वे किसी ने मुझे हेल्प नहीं करी, और मैंने फिर फाइनली आकर के EDS 10 जो है लेटेस्ट वाला है वो खरीदा है। कभी कुछ दिन पहले मुझे $200 का ये सॉफ्टवेयर पड़ा है, और EDS X Pro मैंने ये पूरा का पूरा खरीदा है, और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगा। लास्ट एक हफ्ते से मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आई कैन टेल कि हाँ, अभी जो इसमें कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन मिल गए ना, तो आप इसको प्रीमियर प्रो से कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम सर्टन पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत सॉफ्टवेयर जो है वो सीमलेसली वर्क करता है लैपटॉप्स में। यूजुअली अगर मैं प्रीमियर प्रो चलाता हूँ तो मेरा लैपटॉप जो हीटअप हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, बट ये जो है मतलब इसमें कलर ग्रेडिंग और सीमलेसली सब कुछ प्लेबैक होता है, तो ये मुझे बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा। अब क्विकली यू कैन सी मेरी टाइमलाइन यहाँ पे है, मैं ऑलरेडी जो है वो लॉग फाइल को अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन सी ये मेरी लॉग फाइल है, जो कि यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो कलर, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अब लॉग फाइल को अगर अच्छे से वीडियोग्राफर ने शूट नहीं किया होगा तो आप अच्छे से कलर ग्रेडिंग उसमें नहीं कर पाओगे। एक सिंपल फंडामेंटल है, अगर आप सोनी पे लॉग पे शूट कर रहे हो, कैनन का कोई भी लॉग प्रोफाइल शूट कर रहे हो, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप टू स्टॉप ओवर एक्सपोज रखो वीडियो को। अगर वो टू स्टॉप ओवर एक्सपोज नहीं होगी वीडियो, देन वो वीडियो में कलर ग्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके वीडियो में नॉइज आ रही है बाय एनी चांस, इसका मतलब है कि जो वीडियोग्राफर है उसने एस लॉग को करेक्टली एक्सपोज नहीं करा है, तो उसमें फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। यू कैन सी मेरी वीडियो जो है वो प्रॉपरली एक्सपोज है, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। इवन ये टू स्टॉप से ज़्यादा ओवर एक्सपोज है, क्योंकि मैं सनलाइट में शूट कर रहा था, लगभग दोपहर के 4 बज रहे थे, राइट। और यहाँ पे लेट मी शो यू दी हिस्टोग्राम, यहाँ पे आप व्यू पे आओगे और वीडियो स्कोप्स पे आओगे, तो यू कैन सी कि आपको ग्राफ दिख जाएगा RGB का, एंड यहाँ पे वेवफॉर्म्स दिख जाएंगे, ठीक है। सो मैं बेसिकली ये वीडियो स्कोप्स देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे कलर्स का आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, और इसके साथ साथ मैं हिस्टोग्राम देख सकते हैं। तो यू कैन सी के मेरी वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट लाइक एक तरफ यू नो शिफ्ट हो रही है, इट मीन्स ओवर एक्सपोज्ड वीडियो है, ठीक है, टू स्टॉप ओवर एक्सपोज्ड है, ये प्रॉपरली एक्सपोज किया है, कहीं पे भी शेडोज जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब क्विकली हम लोग इसकी कलर ग्रेडिंग की तरफ चलते हैं, मैं इसको वीडियो स्कोप्स को बंद करता हूं, और यहां पे मेरे पास इफेक्ट पैनल है, इफेक्ट पैनल पे आता हूं, और इफेक्ट पैनल पे सबसे पहला जो पैनल है मुझे वीडियो फिल्टर्स पे आना है। यहां पे मुझे वीडियो फिल्टर्स में आना है, और वीडियो फिल्टर में मुझे सेलेक्ट करना है कलर करेक्शन को। कलर करेक्शन को सीधे सेलेक्ट करते हुए मेरे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मुझे इस पैनल को जिस इफेक्ट को सेलेक्ट करना है, दैट इज प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स को सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे आके इसके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन सी के कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, इसने ऑटोमेशन पे ही अपने आप ही कोई जो प्लगइन होता है वो इस पे अप्लाई कर दिया, लट जो होती है वो अप्लाई कर दिया है, बट हमें इसे भी करेक्ट करना है। यू कैन सी ऑलरेडी इमेज कुछ ज़्यादा ही ब्लू आउट और ओवर एक्सपोज हो गई है। सो मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर करेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, जैसे डबल क्लिक करूँगा मेरे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा।
सो ये जो पैनल है ये जिसमें हम लोग सारे करेक्शन कर सकते हैं। सो अभी यू कैन सी इसने ऑटोमेटिक ही जो है लिया है सोनी एस गैमेट, दैट इज जो इसने एग्जैक्ट सही प्रोफाइल उठाई है। बट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में इसने कलर स्पेस जो है वो BT709 जो है लट लगा दी है, जिसको हमें चेंज करना है। तो मुझे नीचे आना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पे मुझे लट देखने को मिलेगी सोनी की, दैट इज़ BT709S/log2। सो ये ऑलरेडी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पे ही इस EDS-10 में देखने को मिलती है, जो कि पुराने EDS सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती थी। तो एक सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा प्रॉफिट है इस EDS-10 का। और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, यू कैन सी मेरी मैक्सिमम काम तो यहीं सॉर्ट आउट हो गया। मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत स्मूथ कलर्स में कलर ग्रेड हो गई है, राइट। यहाँ पे यू कैन सी के कलर करेक्शन ऑलरेडी मेरी क्लिप के अंदर हो गया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मेरी फ्लैट से ऑलरेडी काफ़ी कलर्स आ गए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पैनल जो है इसके थ्रू मैं सारा और करेक्शन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपकी वीडियो में आपको लग रहा है लाइट कम है, इन केस ऑफ माइन अभी यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा सकते हो, राइट। बट यहाँ पे मेरे पास लाइट ऑलरेडी बहुत है, सो तो मैं एक्सपोजर वैल्यू नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरे को इवन हाईलाइट्स कम करनी है, मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हैं। सो अभी मैं एक्सपोजर से हाईलाइट्स नहीं करूँगा कम, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे पैनल मिलेगा, दैट इज़ हाईलाइट वाला पैनल। तो मुझे यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को कम करना है, तो मैं यहाँ लाइट्स का जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। एक सेकेंड, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं एंड वी कैन सी कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लाइट थोड़ी सी ऑलरेडी कम हो गई है, राइट। एंड इसके अलावा हल्का सा पुल और करूँगा, ठीक है। फ्लैट हो गई वीडियो, इतनी फ्लैट नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। अभी लाइट काफ़ी कम हो गई है वीडियो में से, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा जो बेसिकली डार्कनेस है, कॉन्ट्रास्ट जो बोलते हैं हम लोग, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे वीडियो में और हल्का सा शेडोज़ को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपली यू कैन सी के मेरी क्लिप बन के आ गई है। यहाँ पे मेरे पास में ऊपर का पैनल भी है, सो अगर सपोज करूँ मुझे वाइट बैलेंस ठीक करना है, मेरा ऑलरेडी वाइट बैलेंस बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नीड नहीं है वाइट बैलेंस ठीक करने की। बट स्टिल यू वॉन्ट टू डू वाइट बैलेंस करेक्शन, तो आप यहाँ से ब्लू और यू नो येलो की तरफ यू नो टेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकली लेफ्ट गामा और गेन के लिए आप RGB कलर्स को और उनकी लुमिनेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको यू नो सबका ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको इक्वली सब कुछ यू नो इंक्रीज़ करना है, दैट यू हैव ऑप्शन कि आप कर सकते हो। और आपको इस ग्राफ से भी यू नो चेंजेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा इनको यूज़ करना नहीं पसंद करता हूँ, ये बहुत बहुत माइनर एडजस्टमेंट के लिए मैं यूज़ नहीं काम में लेता हूँ। और इनका जो भी करेक्शन है मैं वो दूसरे कलर व्हील्स में जाके करूँगा, इसमें से मुझे केवल इतनी करेक्शन करना है। मैं ओके करूँगा और मेरी फुटेज जो है वो ऑलरेडी मैक्सिमम काम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है वो बहुत अमेजिंग यू नो नज़र आ रही है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मुझे कलर व्हील के नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे आकर के इसे एक बार अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मुझे डबल क्लिक करना है इसमें, तो मेरे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा और मुझे हल्की सी सैचुरेशन जो है वो वीडियो में बढ़ानी है। सो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं 10% यू नो इंक्रीज़ कर दूँगा। 10% ज़्यादा हो गई है, 9% 8% इंक्रीज़ कर देंगे, 8 भी थोड़ा ज़्यादा है, 7% इंक्रीज़ कर देंगे या ठीक है। और ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है मेरे वीडियो में, तो मैं इसको -2 कर दूंगा, -3 कर दूंगा, राइट। हाँ, और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट अगेन यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा, +2। सो यू कैन सी अभी जो है वो वीडियो और ज़्यादा बेटर हो गई है कंपैरेटिवली टू मी टू माई ओल्ड वन, ठीक है। अब ये यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारा करेक्शन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। बट इसके अलावा एक और टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको ओके कर देता हूँ, राइट। इसके अलावा एक और टूल है, दैट इज़ 3-way कलर्स, ठीक है, व्हील। और मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ और इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस टूल का भी इस तरीके का पैनल है, यहाँ पे आप सेपरेट कलर्स को यू नो अपने हिसाब से यू नो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक बैलेंस है, यहाँ पे ग्रे बैलेंस है, वाइट बैलेंस है। तो अगर आपको अगेन वाइट बैलेंस में कुछ माइनर चेंजेस करने हो, दैट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। और जो सबसे अच्छा मुझे ऑप्शन मिलता लगता है इसका, दैट इज़ ये ह्यू और सैचुरेशन वाला। सो मैं ह्यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मैं कुछ जस्ट एक कलर को पिक करना, लाइक ग्रीन कलर मैंने पिक कर लिया और मैंने मैप को सिलेक्ट कर लिया। तो यू कैन सी कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कलर्स को टारगेटाइज कर सकता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, ह्यू को सिलेक्ट करा एंड यू कैन सी मैं स्पेसिफिक कलर को टारगेटाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा सैचुरेशन भी उसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैं इसको बंद करूँ और सैचुरेशन ऑन करूँ, तो मैं स्पेसिफिक कलर की सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। सो यू कैन सी जो ग्रीन कलर है वो यू नो उसके शेड को हम लोग यू नो
चेंज कर पा रहे हैं। तो आप स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करके, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कलर को सिलेक्ट करके और उसमें कलर का करेक्शन कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है, ठीक है। सो ये हमने इस व्हील्स को, अगर आपको यूज़ करना है थ्री वे व्हील्स को तो आप और यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, बाकी इन दो जो प्राइमरी कलर करेक्शन और कलर व्हील है, इनसे मेजरली काम मेरा हो जाता है। मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है थ्री वे कलर्स को यूज़ करने की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कलर ग्रेड कर दिया है मेरी फुटेज को। अब बात आती है कि क्या हमें हर बार हर फुटेज को कलर ग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे इन तीनों प्रीसेट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव एज एन यूज़र प्रीसेट पे क्लिक कर दूंगा। सो मेरी अपनी एक LUT बन गई, तो मैंने इसको नाम दे दिया एस लॉक आउटडोर, ठीक है। मेरी खुद की मैंने एक प्रीसेट बना दिया, ठीक है, एस लॉक आउटडोर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपनी एक दूसरी क्लिप इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में मेरी एक दूसरी क्लिप है जो कि क्लोज अप फेसिंग वाली है, ठीक है। साइड शॉट ले लेते हैं हम लोग। साइड शॉट को मैंने जा करके यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया क्लिप्स के अंदर, ठीक है। एंड अभी यू कैन सी ये इम्पोर्ट हो गई है, राइट, और अभी बिल्कुल ये फ्लैट है। और मुझे अगर इस पर जल्दी से कलर करेक्शन अप्लाई करना है तो मुझे जस्ट ये एस लॉग आउटपुट आउटडोर सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। और यू कैन सी के हैंड टू हैंड मेरी फुटेज जो है वो कलर ग्रेड हो गई और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्किन टोन्स और बैकग्राउंड में कलर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार कंट्रोल सेट करता हूँ, यू कैन सी ये बिल्कुल फ्लैट है, और मैं वापस से इसको अप्लाई करता हूँ, यू कैन सी के वीडियो जो है वो कलर ग्रेड हो गया है और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल कलर्स इसके मुझे लग रहे हैं। तो इससे आप काफ़ी अच्छी वीडियोस यू नो कलर ग्रेड कर सकते हो। आपने अपनी खुद की लॉक जो है वो बना ली है प्रोफाइल, एंड देन आपको जस्ट कलर ग्रेडिंग करनी है और जल्दी जल्दी अपने फुटेज के ऊपर अप्लाई करना है। समटाइम क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरी फुटेज जो है बहुत प्रॉपर एक्सपोज है। अब मैं एक बार आपको एक अंडर एक्सपोज फुटेज भी दिखा देता हूँ। मैं नीचे करता हूँ अगेन, और यहाँ पे मेरे पास एक अंडर एक्सपोज इमेज है ये वाली, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का करेक्शन करने की नीड पड़ेगी पर क्लिप के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने इस क्लिप को रख दिया है ना, और ये फुटेज जो है वो हल्की सी अंडर एक्सपोज है, ठीक है। और मैं अगेन इसको लॉक पे डालूंगा। यहाँ पे यू कैन सी के कलर जो है अगेन कलर ग्रेड हो गए हैं। बट हल्की सी फुटेज अगर आपको और करेक्शन करना है, सपोज करो इसमें कुछ हल्का फुल्का करेक्शन करना है, तो मैं अगर मुझे करेक्शन करना है, मैं अगेन इस पर डबल क्लिक करके और इसको ओपन कर लूँगा पैनल को, प्राइमरी कलर पैनल को, और उसके बाद मैं एक्सपोजर में और यू नो लाइट में, हाइलाइट्स में, शेडोज़ में कलर करेक्शन कर सकता हूँ। तो काफ़ी कूल है ये और मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली ओवरऑल इसकी आप खुद की LUT बना लो और कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से यू नो अपने कलर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छी स्किन टोन्स आप बना सकते हो। तो ये था क्विक ट्यूटोरियल गाइस अबाउट कि आप कैसे कलर ग्रेड कर सकते हो, बहुत ही सिनेमैटिक टाइप के कलर्स बना सकते हो यूजिंग EDS सॉफ्टवेयर। और अभी तक मैंने देखा है कि यूट्यूब पे किसी ने इस टाइप का वीडियो नहीं अपलोड करा था। आप ज़रूर इसको ट्राई आउट करके देखिए गाइस, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप EDS सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करे हुए हैं। आप जाकर के EDS का जो 10 वाला वर्जन है या जो X वर्जन है इसे डाउनलोड आप कर सकते हो और इसे परचेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।